कंगना सुशांत के मौत के बाद से ही लगातार चर्चा में बनी हुई है। हम सभी जानते हैं कि हाल ही में बीएमसी ने कंगना के ऑफिस को तहस नहस कर दिया है, जिसके बाद कंगना का गुस्सा सातवें आसमान पर है। अब बीएमसी की कार्यवाही के एक हफ्ते बाद कंगना रनौत ने अपने ऑफिस की कुछ तस्वीरें पोस्ट की है। एक तरफ कंगना का खूबसूरत ऑफिस तो वहीं कंगना का बिखरा ऑफिस। इन फोटोज को शेयर कर कंगना ने क्या कहा, चलिए वो आपको दिखाते हैं। कंगना के साथ कंट्रोवर्सी का रिश्ता काफी पुराना है। पंगा लेना लड़की को, और इन दिनों कंगना कुछ ज्यादा ही छाई हुई है। कंगना कभी बॉलीवुड के हिस्से पर हमला कर रही हैं, तो कभी सीधे सरकार पर हमला बोल रही हैं। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। और एक तरफ कंगना को भी सभी का भरपूर सपोर्ट मिल रहा है। हम लड़ेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी आजादी का उत्सव मनाए। और कंगना का वार पलटवार लगातार जारी है, तो वहीं कंगना का गुस्सा एक बार फिर फूटा है। और गन राम राम, समन्ने राम राम, सुबह की राम राम, नगद संजय की राम राम, एडवांस। कंगना ने एक बार फिर अपने ऑफिस को गिराए जाने पर भड़ास निकाली। कंगना ने ट्वीट किया कि उनके कार्यालय को गिराकर कई लोगों को बेरोजगार बना दिया और वो लोग अब राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं। सोशल मीडिया पर कंगना ने अपने टूटे दफ्तर की कई फोटो शेयर की हैं। कंगना ने मुंबई के पाली हिल में अपने प्रोडक्शन हाउस के डैमेज हिस्से की फोटो शेयर कर ट्वीट किया, मेरे कर्म स्थान को शमशान बना दिया, न जाने कितने लोगों का रोजगार छीन लिया। एक फिल्म यूनिट कई सौ लोगों को रोजगार देती है। अब एक फिल्म रिलीज होती है तो थिएटर से लेकर पॉपकॉर्न बेचने वालों का घर चलता है। हम सबसे रोजगार छीनकर वो लोग आज राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं। कंगना का ये बयान कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों पर था, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रहे थे। कंगना ने एक वीडियो शेयर कर पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाइयां भी दी। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको जन्मदिवस की बहुत बहुत बधाई। मुझे आपसे कभी बात करने का मौका नहीं मिला और हम जब भी मिले हैं दो तीन बार फोटो ऑप्स के लिए मिले हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये देश आपको बहुत सराहता है। मुझे पता है कि ऐसी बहुत सारी आवाजें हैं, बहुत सारा शोर है जहां पे जितना अनफेयरली आपको ट्रीट किया जाता है, शायद ही किसी को इतनी गंदी बातें कही जाती है और इतना अपमान किया जाता है, खासकर किसी प्रधानमंत्री को तो शायद ही कोई इतने अभद्र शब्द और इतनी गलत बातें बोलता होगा। मगर आप जानते हैं कि वो बहुत कम लोग हैं, वो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है जो साधारण भारतीय आपके लिए महसूस करता है। वो जब मैं देखती हूँ तो मुझे नहीं लगता इतना सम्मान, इतनी भक्ति, इतना प्रेम किसी प्रधानमंत्री को इससे पहले मिला है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो करोड़ों भारतीय जो सोशल मीडिया में नहीं है, जिनकी आवाजें शायद आप तक नहीं पहुंच पाती हैं, मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो सब आज प्रार्थना कर रहे हैं आपकी लंबी उम्र की, और हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें आप जैसे प्रधानमंत्री मिले हैं। जय हिंद। तो वहीं उन लोगों को भी करारा जवाब दिया जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को गलत दिन से मनाया। कंगना यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे लिखा कि ये दुष्कर्म है मेरे सपनों का, मेरे हौसलों का, मेरे आत्मसम्मान का और मेरे भविष्य का। उन्होंने आगे लिखा, एक उम्र बीत जाती है घर बनाने में और तुम आ भी नहीं करते बस्तियां चलाने में। इस ट्वीट के साथ कंगना ने ऑफिस के कई फोटोज को शेयर किए हैं। एक तरफ कंगना का खूबसूरत ऑफिस देखा जा सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ कंगना का बिखरा ऑफिस। अपने गिराए गए ऑफिस की फोटो शेयर करते हुए कंगना ने आगे लिखा, ये देखो क्या से क्या कर दिया मेरे घर को, जो कभी मंदिर था उसे कब्रिस्तान बना दिया, देखो मेरे सपनों को कैसे तोड़ा गया, क्या ये दुष्कर्म नहीं। तो वहीं कंगना ने अपने ऑफिस की जो फोटो शेयर की हैं, उन्हें देखकर कंगना की सपोर्ट में कंगना के हक के लिए आवाज उठा रहे हैं लोग। साथ ही आपको बता दें कि कंगना ने बीएमसी पर 2 करोड़ रुपए का केस भी दर्ज किया है।
कंगना की लड़ाई लगातार जारी है। देखना होगा कंगना का ये पंगा कब खत्म होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।